तो भैया आप रो क्यों रहे हो, रो मत ना, उनसे मैडम चाचा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे ऑपरेशन होना है। मैं कह रहा था उससे कि गांव में ही सही है, फिर भी उसने यहाँ बुला लिया। एक बंदे से मैंने हेल्प मांगी, उसने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया, कहता कि तुम जैसे चोर बहुत आते हैं। मैडम आपने बहुत हेल्प कर दी। कोई बात नहीं भैया, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता ना। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर डीपी बॉय दिव्यांशु, और तुम्हारा भाई लेकर आ गया एक और नई बेहतरीन वीडियो। तो गाइस आज मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट किया है, लड़की से यार पैसे मांगने की कोशिश की, मतलब हेल्प मांगने की कोशिश की, उसने की यार, वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसने हेल्प भी की। तो वीडियो देखो, और सोशल एक्सपेरिमेंट किया है तो यार लाइक कर देना, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम यहाँ आ रहा है, जाकर के फॉलो कर लो, और मैं आपसे मिलूँगा वीडियो के बाद। मैडम एक कॉल करवा सकती हो? किसको? मेरे एक दोस्त को करना है, उसने पता नहीं मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, एक बार एक कॉल करवा दो। लीजिए कर लीजिए। हेलो, हाँ भैया कहाँ पर हो? दिव्यांशु बोल रहा हूँ मैं। हाँ मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? स्विच ऑफ आ रहा है तुम्हारा, इससे करा है, इससे लगा है, नहीं तो कहाँ मिलोगे? नहीं जब तो हम तो आ गए ना इधर, हम तो इधर आ गए। भैया आ जाओ ना यार, तुमने हमें बुलाया था गांव से, हमें बुला लिया, अब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी ना होता भैया। चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, आ जाओ भैया, दिल्ली में ही हो गए यार, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? भैया बस मुझे बस चाचा जी तक छोड़ देना, एक हेल्प कर दो इतनी सी, हमने तुम्हारी कितनी बार हेल्प की है, तुम हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो। गांव से तुमने ही कहा था ना कि आ जाओ हम हेल्प कर देंगे, अब तुम मना कर रहे हो हेल्प करने को। भैया आ जाओ ना यार, थोड़ी सी हेल्प कर दो यार, बस मुझे वहां तक पहुंचा देना, हमारा ये सब कुछ चोरी हो गया, पैसे भी नहीं हमारे पास, पैसे भी चोरी हो गया। आ जाओ भैया। अरे बस तुम हमें बस स्टैंड से ले जाना, हमें हॉस्पिटल छोड़ देना। अब तुम दिल्ली में अभी तो थे, तुम दिल्ली में अब कह रहे हो कि दिल्ली में नहीं हो। आ जाओ भैया, बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा सारा पर्स भी चोरी हो गया और सारा सामान चोरी हो गया, एक कुली को दिया था मैंने, नहीं मतलब अब जब हमें हेल्प चाहिए तब तुम मना कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता भैया। हेलो 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 हेलो, क्या हो गया भैया, आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में लग रहे हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ भैया आपको? कुछ नहीं मैडम। बताइए तो क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? आप नहीं समझ पाओगी मैडम। बताइए तो भैया, बताओगे तभी तो पता चलेगा। मैं ना यहाँ अपने गांव से आया हुआ था, मेरे चाचा जी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। रो क्यों रहे हो भैया, मुझे थोड़ा कुछ मेरा एक दोस्त था। आप आए कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, टावर से आया हुआ था मैं। तो उसने मुझे बुलाया था कि यहाँ आ जाओ और हम तुम्हारे चाचा जी का ऑपरेशन करवा देंगे। तो उसने मुझे अब फोन नहीं उठा रहा था इतनी देर से, अभी मैंने किया फोन तो अब फोन उठा नहीं रहा था, अब आपके फोन से किया तो उसने वो भी काट दिया। तो आप उसके साथ आए थे? उसने मुझे बुलाया था, कहता कि मैं तुम्हारे चाचा जी का ऑपरेशन करवा दूंगा और तुम बस आ जाओ यहाँ, हम गांव से आए थे, हमें कुछ पता भी नहीं यहाँ का। उसको बहुत अच्छा दोस्त था, कहता कि मैं करवा दूंगा, तुम बस आ जाओ है। और अब यहाँ पर मेरा जो पर्स था और पर्स और वो सामान वामान सब चोरी हो गया, दो दिन से यहाँ घूम रहा हूँ मैं।
तो भाई आप रो क्यों रहे हो? रो मत, रोने से मैडम चाचा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे ऑपरेशन होना है। मैं कह रहा था उससे कि गांव में ही सही है, फिर भी उसने यहाँ बुला लिया। मैं आपको कुछ हेल्प करूँ फिर? ऐसे कुछ दूर पैसे आप चले जाना? नहीं मैडम, मैं बस अभी एक बंदे से मैंने हेल्प मांगी, उसने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया। कहता कि तुम जैसे चोर बहुत आते हैं, मैं चोर लग रहा हूँ। भैया हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप चले जाइए। मैडम दे दो कुछ अगर हो तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं दो दिन से मैंने कुछ खाया तक नहीं है, बहुत भूख भी लगी है। चलो तो फिर मैं आपको खिला भी देती हूँ कुछ, और आपको पैसे भी दे देती हूँ, आप हॉस्पिटल चले जाना। नहीं हॉस्पिटल नहीं, मैं अब चाचा जी को अपने गाँव ही वापस लेकर जाऊँगा, उसने वही करवाने वाला था। वो कह रहा कि मैं आ जाऊंगा, हैं, और अब फोन भी नहीं उठा रहा था मेरे फोन से। मेरा नंबर पता नहीं, एक वो होता है ना ब्लॉक लिस्ट, उसमें डाल दिया होगा शायद। हैं, अब आपको मैंने कॉल की। तो आप अपने चाचा जी को अब लेकर जाएंगे? हाँ मैं गांव ही लेकर जाऊंगा। तो भैया मैं आपको पैसे दे सकती हूँ थोड़े, फिर आप दे दो अगर हो। मैडम आपने बहुत हेल्प कर दी। कोई बात नहीं भैया, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता ना। नहीं वो मतलब मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उसकी मैंने कितनी बार हेल्प की। अब वो जब मुझे मुसीबत का टाइम आया तब उसने धोखा दे दिया। उसने मुझे बुलाया, इतना अच्छा दोस्त था, मैं कहता कि चलो मेरे चाचा जी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो आप वही बात है ना, किसी इंसान पे इतनी जल्दी भरोसा ना करो तो वो ज्यादा अच्छा है। आपको यहाँ का रास्ता पता है? नहीं मुझे कुछ नहीं पता मैडम। आइए मैं आपको कुछ पूछूं। आप मैडम बहुत अच्छे हो ना, कोई हेल्प नहीं करता ऐसे। कोई बात नहीं, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। आपको कुछ बताना है, रुकना एक सेकंड। मैडम आपने बहुत, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी हेल्प की। पहले आप अपने ये पैसे पकड़ नहीं, लो नहीं भैया सुन तो लो, पैसे पकड़ो एक सेकंड। मैं ना YouTube वीडियोस बनाता हूँ, और मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने आया था कि मतलब अगर कोई बंदा मतलब मुसीबत में हो या कुछ ऐसा हो तो वो उसके दूसरा बंदा हेल्प करेगा या नहीं। तो मैं ये वीडियो ही बना रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने वहाँ पर कैमरा लगाया हुआ था। हाँ तो आप मैडम बहुत अच्छे हो, आप ऐसे ही दूसरों की भी हेल्प करते रह गया करो। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि आपने मेरी हेल्प की और मतलब पैसे दिए, क्योंकि यार कोई ऐसे हेल्प नहीं करता है भैया। हर एक इंसान वही बात है ना, फिर एक जैसा नहीं होता, कोई कैसा होता कोई कैसा होता। थैंक यू मैडम, मुझे खुद अच्छा लगा कि हाँ लोग मतलब इंसानियत अभी भी है अभी दुनिया में। थैंक यू। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार इंस्टाग्राम पर आ जाओ यार, इंस्टाग्राम यार खाली पड़ा है। DPYYT आ जाओ जल्दी से, और मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।